Your Excellency, ये poor servant आपका जूस कतरे लेकर कब से खड़ी है? आपका ध्यान कहाँ है? मनु, ये अंग्रेज पशुओं को नहीं इंसानों को गुलाम बनाकर इस रेल से दूसरे देश ले जाना चाहते हैं। अगर तुमने रेल ध्वस्त कर दिया तो ना जाने कितने मासूम लोग मर जाएंगे। उन्हें बचा लो। वो रॉस इतनी आसानी से मान कैसे गया? अब बस हमें पुल वाली पटरी को बर्बाद करना। हमने महाराज को एक वचन दिया है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि करना मैं सब कुछ भी नहीं करेंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया फिरंगियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो। कल हम पहले ट्रेन चलाने वाले हैं। उतना ही करो जितना सहन कर पाओ, वरना ऊपर वाला जब तुम्हारे जुर्म का हिसाब लेगा ना तब तुम सहन नहीं कर पाओगे। जुबान लड़ाता है ब्लडी इंडियन, लेट्स सी हाउ मच यू सफर। हमें शीघ्र तातेगुरु से मिलकर इस अनर्थ को रोकना होगा। मंजी, वहां देखो, रेल को देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई है ना, उस भीड़ में तातेगुरु भी होंगे। शीघ्र जाकर उन्हें सूचित करो कि हमें रसोई के पीछे आकर मिले। जाओ जल्दी। शिवा कहाँ चला गया? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। हर हर महादेव। इंजन की तरफ देखता हूं, शिवा जरूर वहीं मिलेगा। You understand? Hey you! यहाँ कहाँ आ रहे हो? Stop this guy. यहाँ कौन सा तमाशा देखने आ गया? चलो जाओ यहाँ से, वहाँ जाओ। ताती गुरु, हमें किसी भी तरह इन धूर्त फिरंगियों को इंसानों का व्यापार करने से रोकना होगा, पर समझ में नहीं आ रहा है इस अन्याय को कैसे रोके। देखो मन, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और इतने कम समय में अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी कदम उठाना मूर्खता होगी। अब अंग्रेजों की इस घृणित चाल को रोकने की केवल एक ही उम्मीद है हमारे पास, महाराज। केवल महाराज ही अपने अधिकारों का प्रयोग करके गोरो के इस अन्याय को रोक सकते हैं, हम नहीं। आपने हमें इस समय यहाँ क्यों बुलाया? आप जानती है ना कि रेल उद्घाटन का समय हो चुका है। इसी रेल उद्घाटन को तो रोकना है महाराज। ये आप कैसी बातें कर रही हैं लक्ष्मी भाई? हाँ महाराज, ये रेल उद्घाटन नहीं अन्याय की सीमा है। ये दुष्ट फिरंगी रेल के माध्यम से हमारे निर्दोष हिंदुस्तानियों का निर्यात दूसरे देशों में करने जा रहे हैं, और वो भी बंधुआ मजदूर बनाकर। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? किसने दी आपको ये सूचना? हम आपसे विनती करते हैं, हमसे कोई प्रश्न मत पूछिए। विश्वास कीजिए, ये सूचना 100% सही है। आप इस घोर अनर्थ को होने से रोक लीजिए। आइए हमारे साथ।
इतनी कड़ी सुरक्षा प्रबंध के बीच मैं शिवा को कैसे ढूंढूं? ये हम क्या सुन रहे हैं कैप्टन रॉस? क्या सच में आप रेल मार्ग के माध्यम से बंधुआ मजदूरों का निर्यात करने जा रहे हैं? What? आपसे ये किसने कहा? ये किसने कहा ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये जानना है कि हमने जो सुना उसमें कितनी सच्चाई है। इतना बड़ा इल्जाम, यू नो वेरी वेल योर एक्सीलेंसी। पहले हम इस ट्रेन से एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने जा रहे थे, पर हमने अपना ये आइडिया कैंसिल कर दिया, और वो सिर्फ आपके कहने पर, आपके फ्रेंडशिप के लिए। और बदले में मुझे क्या मिला? ये एलिगेशंस, वो भी न जाने किसके कहने पर। एंड आई एम श्योर समवन्स ट्राइंग टू प्ले विद आवर फ्रेंडशिप। Your Excellency. बातों को घुमाइए मत कैप्टन रॉस। रानी लक्ष्मीबाई, हम बात कर रहे हैं कैप्टन रॉस से। हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए कैप्टन रॉस। क्या सच में इंसानों के व्यापार का माध्यम बनने जा रहा है ये रेल मार्ग? ये इल्जाम तो किसी बेवकूफ की वाइल्ड इमेजिनेशन है। आई डोंट अंडरस्टैंड, हम इस बेसलेस एलिगेशन पर इतना प्रेशियस टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? समय आप व्यर्थ कर रहे हैं कैप्टन रॉस। इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए और स्पष्ट शब्दों में हमें उत्तर दीजिए। ऐसे बेकार की एलिगेशन कौन लगा सकता है? आई एम श्योर ये सब किसी ने जानबूझ कर किया है, इस ग्रैंड ओकेजन को स्पॉइल करने के लिए। ठीक है, यह सत्य है या एक खोखला आरोप, यह भी पता चल जाएगा। हम स्वयं रेल की जांच करना चाहते हैं अभी। ऑफ कोर्स योर एक्सीलेंसी। वैसे भी आपको अपने फ्रेंड की बात पर यकीन तो होगा ही नहीं, तो चलिए मैं अभी आपको ट्रेन चेक कराता हूं। राइट नाउ। शिवा, वो विस्फोटक। आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपना काम कर दिया है। मैंने उस विस्फोटक को रेल इंजन में लगा दिया है। जैसे ही इंजन गर्म होगा, विस्फोटक उसके ताप से हट जाएगा। नहीं, हमें उस विस्फोटक का इंजन से बाहर निकलना होगा। पर क्यों? क्योंकि उस रेल में पशुओं को नहीं, इंसानों को बंधुआ मजदूर बनाकर दूसरे देश भेज रहे हैं अत्याचारी अंग्रेज। तुम जाओ यहां से। जी भारत। Open the doors. Yes, sir. अब बताइए योर एक्सीलेंसी, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? बॉन्डेड लेबरर्स। महाराज, इस रेल में एक डिब्बा है, हमें उनकी भी जांच करनी चाहिए। हाँ कैप्टन रॉस, हम दूसरे डिब्बे की भी जांच करना चाहते।
अब तो यकीन हो गया ना योर एक्सलेंसी, सारे के सारे बोगीज चेक कर लिया है। I'm still surprised, Your Highness. आपको ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया किसने? हे देवा, आखिर वो मजदूर गए कहाँ? मंजरी की सूचना तो गलत हो ही नहीं सकती। You know, it really hurts to know. जब देखो तब हम पर शक किया जाता है। Just because हम लोग दूसरे कंट्री से हैं, पर कोई ये नहीं देखता है कि हम इंडिया को अपनी कंट्री की तरह मानते हैं और इतना सब कुछ इंडिया की प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इस बार भी क्वीन के कहने पर अपने इतना बड़ा इल्जाम हम ब्रिटिश पर लगाया है। योर एक्सलेंसी, वो तो शुरू से ही हमें पसंद नहीं करती, तभी तो फिर एक बार उन्होंने सर साइमन फ्रेजर और सारे डिग्निटरीज के सामने भी मेरी नहीं, सिर्फ मेरी क्यों, आपकी भी बेइज्जती करवा दी। और इस ड्रामा से सबसे ज्यादा ही आपकी ही इज्जत उछली है ना योर एक्सलेंसी। एंड बिलीव मी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। देवा, न जाने क्या हो रहा होगा वहां, शिवा ने भी कोई सूचना नहीं दी अब तक। आपसे बात करनी है, लगता है बदवा मजदूर भरी खबर गलत है। महाराज ने पूरे रेल की जांच की और सारे के सारे डब्बे खाली मिले। अच्छा हुआ उस रेल में ना कोई पशु है और ना कोई इंसान। अब हम बिना किसी अवरोध के उस रेल के चीथड़े उड़ा सकते हैं। अब तुम्हें उस विस्फोटक को इंजन से निकालने की आवश्यकता नहीं है शिव। जी भारत, एक उड़ती हुई खबर सुनकर आपने इतना बड़ा तमाशा करवा दिया और आज एक बार फिर सबके समक्ष हमारा सर झुक गया। कल आपने पशुओं के व्यापार के विषय में बात की तो हमने कैप्टन रॉस को मनाकर उन पशुओं के निर्यात पर पाबंदी लगवा दी, और आज ही बंधुआ मजदूर की बात कहां से आ गई? पर महाराज, हमें अभी भी लगता है कि आपकी आदत हो गई है कुछ ना कुछ ऐसा करने की जिससे सबके समक्ष हमें शर्मिंदा होना पड़े। आपने हमें वचन दिया था ना कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे सबके समक्ष हम अपमानित हो, क्यों किया आपने ये सब? पर महाराज, हमारी बात तो सुनिए। हमें लगता है कि यही हमारी गलती है कि हम हर बार आपकी बात सुन लेते हैं और उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। गलती तो आपने उस शातिर रॉस पर भरोसा करके की है महाराज। हमें तो अभी भी विश्वास है मंजरी ने हमें बिल्कुल सही सूचना दी होगी और इन फिरंगियों ने स्वयं को बचाने के लिए कोई चालाकी अवश्य की है। पर क्या इन लेबर्स को यहां से निकलो, ट्रेन के पीछे लेकर चलो, चलो, मूव मूव, जाओ जाओ।
Your Excellency, अगर क्वीन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो कैन वी फ्लैग ऑफ द ट्रेन? वैसे भी काफी टाइम वेस्ट हो गया है इस बेसलेस इन्वेस्टिगेशन में. सी, सारे गेस्ट्स और डिग्नेटरीज इंपेशेंट हो रहे हैं. Your Excellency, आप अपने शुभ हाथों से इंडिया की फर्स्ट ट्रेन को ये हरी झंडी दिखाइए ना. Jaldi, come on, move, move, keep moving. Jaldi karo, train nikalne wali hai, come on. हमें क्यों बार बार लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई अभी भी रेल के डब्बों के अंदर है. महारानी लक्ष्मीबाई देखा कितनी चलाकी से हम आपके लोगों को आप ही के नाक के नीचे से लेकर जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रही है. हे देवा, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि इस रेल से कुछ अनिष्ट होने जा रहा है.